नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कटिंग से तैयार किए हुए पान के पौधे को बड़े गमले में मॉस स्टिक के सहारे से कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं बताने जा रहा हूं। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये है पान का पौधा। इसको मैंने 30 दिन पहले एक कटिंग द्वारा लगाया था। कटिंग में कहीं नर्सरी से लेके आया था। अब देखिए कितना बड़ा हो गया है। इसकी ये पत्तियाँ, चारों पत्तियाँ नई निकल गई हैं और ये दोनों पत्तियाँ पुरानी हैं। अभी मैं इनको काटूंगा और एक और पत्ती, पांचवी पत्ती नई निकल गई है। इसका वैज्ञानिक नाम पाइपर बेटल है। इसको ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे पहले जो पॉटिंग मिक्स मैं बनाऊंगा, इसमें तीन चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। गार्डन की मिट्टी मैंने ये बहुत अच्छे ढंग से सुखा रखी है। देखिए अच्छी भुरभुरी है ये, और बगैर सुखाए बगैर इसको कभी गमले में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, उसी गीली मिट्टी में पौधे को रोपण कर देते हैं और पौधा बाद में सूख जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है। इसलिए हमेशा गमले की मिट्टी को खाली करें और खाली करने के बाद उसको सुखाएं 5-6 दिन तक और फिर गमले में इस्तेमाल करें। तो ये मिट्टी मैंने ली है एक ट्रे, और आधा ट्रे मैंने लिया है नदी की रेत, और आधा ट्रे गोबर ले रखा है मैंने, नंबर वन गोबर है ये। तीनों चीज़ों को मैंने टब में डाला और उसके बाद अच्छे ढंग से इसको मिलाएं, ताकि गोबर, रेत और मिट्टी आपस में अच्छे ढंग से मिल जाए। ये देखिए आप कितना अच्छा पॉटिंग मिक्स तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल भुरभुरा वेल ड्रेन मिट्टी, और इसमें पानी रुकने का कोई सवाल नहीं है। ये देखिए मैंने इसके लिए 12 इंच का गमला लिया है, देखिए आप। और हमेशा पान के पौधे के लिए गहरा वाला गमला ही लेना चाहिए। ये 12 इंच का है और इसमें मैंने ड्रेनेज हॉल भी अच्छा है इसके अंदर, और पत्थर मैंने रख लिया है। इसका नाम मॉस स्टिक है। ये पौधे को सहारा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए आप, इसके अंदर न्यूट्रिशन भरा होता है और बाहर से इसमें जाली लगी हुई है। न्यूट्रिशन का मतलब इसके अंदर काई भरी हुई है, जो कि पौधे की एरियल रूट को खुराक देती है। एरियल रूट इसके अंदर अपनी जड़ों को जमा के रखती है और वहाँ से न्यूट्रिशन लेती है। मॉस स्टिक की जो नीचे वाली डंडी है, ये थोड़ा छोटी मिलती है बाज़ार में और इसी साइज में आती है ये। इसके लिए मैंने एक इम्प्रोवाइज, एक छोटी डंडी, ताकि ये थोड़ा लंबी हो जाए, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ और इसको फिट करके देखता हूँ गमले में। ये देखिए आप साथियों, एक टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मॉस स्टिक मिट्टी में नहीं दबनी चाहिए। अगर ये मिट्टी में दब जाती है तो इसके अंदर मॉइस्चर बहुत होता है, जो कि पान की जड़ों को सड़ा भी सकता है। इसलिए मॉस स्टिक को हमेशा गमले से थोड़ा ऊपर रखें और न कि गमले के अंदर डुबाएं इसको, क्योंकि इसके अंदर काई भरी हुई है। तो इससे बचने के लिए मैंने एक अलग सा डंडी इसमें फिट करी है, ये देखिए आप। और आप भी जब भी पान के पौधे का रोपण करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो आप भी इसी प्रकार से इस डंडी को थोड़ा ऊंचा करें, लगभग एक फिट ही होनी चाहिए, और इस प्रकार से इसको सबसे पहले गमले में फिट करें। इसके बाद जो मैंने पॉटिंग मिक्स तैयार की हुई है, इसको डालते जाएं, ये देखिए। और मॉस स्टिक को सेंटर में न रखते हुए थोड़ा सा साइड में रखें, ताकि पौधा लगाने में आसानी रहे। अब मैं इसको आधा भर लेता हूँ। ये देखिए मैंने आधा गमला भर लिया है, और सबसे पहले मॉस स्टिक को टाइट करें दोनों हाथों से, ताकि ये सीधी रहे, पानी डालने में भी न हिले। ये देखिए आप इस प्रकार से, देखिए बिल्कुल सीधी है और टाइट हो गई है। अब मैं लेता हूँ कटिंग द्वारा उगाए हुए पौधे को, इसकी मिट्टी को इस प्रकार से ढीला करें, देखिए आराम से, और हल्का सा इस प्रकार उल्टा करें। ये देखिए कितनी अच्छी जड़ें इसमें आ गई हैं, देखिए जड़ों को देखिए आप, बहुत अच्छी जड़ें इसने दे दी हैं। मिट्टी को ढीला करते हुए गमले में इसको इस प्रकार से बिठाएं आराम से, और बची हुई मिट्टी को इसके किनारे में डाल के गमले को भर दें। साथियों, मैंने गमला पूरा भर लिया है और 2 इंच जगह मैंने छोड़ी हुई है, देखिए आप, और मिट्टी में मॉइस्चर भी काफ़ी है। मैं अभी इसमें पानी नहीं दे रहा हूँ, पानी मैं इसको 2-3 घंटे के बाद दूंगा।
अब मैं इसमें पानी दे रहा हूँ। पानी हमेशा मॉस स्टिक से देना चाहिए, इस प्रकार से। और मॉस स्टिक का गीला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इस पौधे में जड़ें निकलती हैं वो इसके अंदर घुस के न्यूट्रिशन लेती हैं, इस प्रकार से। और ये पानी देखिए आप, कुछ पानी जड़ में जा रहा है और कुछ पानी मॉस स्टिक को भिगा रहा है। इस पौधे को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको हमेशा छाया में रखना चाहिए, लेकिन सुबह की एक दो घंटे की धूप में इसको ज़रूर इसको रखें, ताकि ये पौधा न्यूट्रिशन लेता रहे और गर्मी से और धूप की किरणों से अपनी पत्तियों द्वारा अपने पौधे के लिए न्यूट्रिशन बनाता रहे। ये पौधा 10 डिग्री से अधिक तापमान में अच्छा ग्रोथ करता है। इस पौधे में हमेशा गोबर की खाद या मैन्यूर जो आप बनाते हैं उसी का इस्तेमाल करें, इसको बाज़ार की खादें देने की ज़रूरत नहीं होती है। इस पौधे को हम खाते भी हैं, इसलिए इसको केवल और केवल मैन्यूर ही देना चाहिए। साथियों, इससे आगे जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो इससे आगे मैं इसके बारे में काफ़ी जानकारी और अभी बाकी है कि इसका धार्मिक इस्तेमाल कैसे होता है और इसका औषधीय गुण इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। जब मेरा पौधा बड़ा हो जाएगा तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना के आपको बताऊँगा। आज का वीडियो इतना ही है, और आपका मेरा वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।